नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में प्रचार चल रहा है और चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है। दोनों पार्टियों ने 40-40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं जो प्रदेश के चुनाव प्रचार को धार देने का काम करेंगे। एक तरफ कांग्रेस ने बड़े दिग्गजों के साथ बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी सूची में केंद्र के दिग्गजों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल किए हैं जो चुनाव से पहले ही प्रदेश में हल्केवार जाकर प्रचार करेंगे और इस प्रचार को धार देंगे और पार्टी के पक्ष में वोट बटोरने का भी काम करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बल मिला है। जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य और संघर्ष की जीत बता रही आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या केजरीवाल अगर हरियाणा में प्रचार करने पहुंचते हैं तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होगा, ये भी चर्चा का विषय है। उधर दूसरी तरफ इनेलो बसपा और हलोपा के गठबंधन पर मुहर लगने से क्या आएगा प्रदेश की राजनीति में बदलाव, ये भी बड़ा सवाल है। उधर टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से नाराज हुए नेता कर्णदेव कम्बोज के बगावत के सुर इतने तेज हुए कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का दामन थाम लिया। उधर आपको बता दें कि यहां तक कि बीजेपी पर खुलेआम कई आरोप लगाते हुए भी वो नजर आए। कम्बोज का कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी के लिए इसलिए भी झटका माना जा रहा है क्योंकि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होने के तौर पर एक बड़ा वोट बैंक भी उनसे प्रभावित होता है। अब उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन छोड़कर के कांग्रेस का थाम लिया है, लेकिन इससे क्या राजनीतिक समीकरण प्रदेश में बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से और एक नहीं तीन तीन पीढ़ियों ने जो खून पसीने से उसको सींचने का काम किया था, किस प्रकार का वहां वातावरण बनाया गया और किस प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने पार्टी की जलालत करने में कसर नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ गद्दारी करने में कसर नहीं छोड़ी, ऐसे लोगों को आज वहां तवज्जो दी जा रही है, ऐसा इस प्रकार का माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बना। जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति को एक सेवा का अवसर मानते हैं, ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। और मैंने भी ये निर्णय लिया, जिन सब साथियों ने कहा कि हमें जिस पार्टी में सम्मान नहीं, मुझे अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी गद्दार को टिकट न दे करके पार्टी के साथ जाना उठाराघात करने वाले को टिकट न दे करके किसी और कार्यकर्ता को एडजस्ट करती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन मेरा टिकट काट करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया और फिर 5 साल गालियां देता रहा, फिर जाकर के लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ज्वाइनिंग करके और जिस प्रकार से उसको टिकट देने का काम किया, जिसके ऊपर कई प्रकार के आपराधिक मुकदमे आज भी जो है कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। और आज पूरे हरियाणा के अंदर हमारे पास एक टीम है, जिन लोगों के अंदर एक टीस है, एक दर्द है कि अब उस पार्टी में रहना जाना हमारे लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है, ऐसे लोग आज जो है नजर लगाए बैठे हैं कि कब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोई फैसला ले और हम भी उसी आधार पर चल करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जहां वो हमारा हाथ पकड़ाएंगे वहां चलने के लिए तैयार हो। पूरे प्रदेश में आपको एक ऐसी टीम दूंगा कि जहां ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज और जिस प्रकार से ये ओबीसी समाज हमेशा जो है ना भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, अब वो ओबीसी समाज अब सोचने पर मजबूर हो गया और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं एडवांस में आपको बधाई भी देता हूं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। ललित अरोड़ा जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजबीर रोहिल्ला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनय यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरूआत विनय जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहा हूं आपको, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है,
आपकी आवाज भी पहुंच पा रही है विनय जी। देखिए अभी तक ये कुछ दिनों पहले तक ही ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी सीटों पर आप भी लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या हरियाणा में आपको मजबूती देगी? अगर वो प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो किसी तरीके के सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या लगता है कोई सकारात्मक बदलाव आएगा वहां पर? जी बिल्कुल आएगा, देखिए बिल्कुल सकारात्मक बदलाव आएगा। तो जिस तरह का एक नैरेटिव जो है भाजपा ने ये झूठा षड्यंत्र रचकर अरविंद जी को जेल में रखने की साजिश की तो बेनकाब हो गई। तो बजरंगबली जी की कृपा से और आप सभी की दुआओं से जो है अरविंद केजरीवाल जी आज जमानत पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और बाहर आ गए। कहीं ना कहीं देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र था कि उनको जेल में रखा जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी तब भी उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद ईडी से जमानत मिलने के बाद जिस तरह उन्होंने सीबीआई झूठा केस सीबीआई से लगाकर फिर से उनको जेल में डाल दिया, वो चाहते थे कि हरियाणा चुनाव में भी वो बाहर रहें और कहीं ना कहीं वो इस्तीफा दे दें। और बीजेपी देखिए जहां जीत नहीं पाती है तो वहां अलग अलग तरीके लगाकर कोशिश करती है कि वहां सरकार बना ली जाए, नहीं तो अंत में फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर इनडायरेक्ट तरीके से सरकार चलाई जाए। लेकिन विनय जी बात बताइए, ये बीजेपी का षड्यंत्र कहां से हो जाता है? उधर जब आज कोर्ट ने टिप्पणी की तो कोर्ट ने भी यही कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार की थी वो भी गलत नहीं है, वो भी तरीका गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अब जो उनको कहा गया कि संयोजक के तौर पर आप सभी काम कर सकते हैं लेकिन फाइलों में साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के तौर पर आप दफ्तर नहीं जा सकते, तो इसमें बीजेपी का षड्यंत्र कहां से आ गया? कोर्ट भी तो अपना पक्ष रख ही रहा है ना। देखिए बीजेपी का षड्यंत्र इसलिए आ गया क्योंकि अभी जैसे बहस जो जिसको बता रहे थे कि भाई यही मुख्य साजिशकर्ता है शरद रेड्डी, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उनको जमानत मिलती है, पहले उनको भी जमानत नहीं मिलती है लेकिन उनको फिर जमानत मिलती है, तो और उनकी तीन कंपनियों से बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा लेती है, 60 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। देखिए चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है उनसे और उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा जाता है, तो ये साफ साफ जाहिर होता है भाई केस तो जेपी नड्डा जी पे चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पे चलना चाहिए था कि उन्होंने चंदा लिया उनकी कंपनियों से, साफ साफ सबूत है जिसके। उनको पता नहीं था कि भाई ये चंदे की बात बाहर आ जाएगी, लेकिन ये मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने उसको असंवैधानिक करार दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड को और ये सबके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस किस चंदा लिया है। तो आप चंदा जो पार्टी चंदा लेती है उस पर कोई केस नहीं होता और एक बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो इसलिए साफ साफ दिखता है कि इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है। चलिए ठीक है, आगे चर्चा इस पर करेंगे। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। ललित जी आवाज पहुंच पा रही है? जी। देखिए गठबंधन आपका नहीं हुआ लेकिन आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार बनने वाली है। कर्णदेव कंबोज आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, वो भी यही कहते हैं। मतलब ठीक है, विश्वास आप जता रहे हैं लेकिन अब अरविंद केजरीवाल क्योंकि बाहर आ गए, वो भी आप प्रचार करेंगे, तो किसी तरीके का टफ कॉम्पिटिशन लग रहा है आपको? और कंबोज के, कर्णदेव कंबोज के आपकी पार्टी में शामिल होने से आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के बदलाव आएंगे पार्टी में, क्या मजबूती मिलेगी? देखिए कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो SC ST और OBC तबका है, ये शुरू से कांग्रेस के साथ रहे। बीच में कुछ समय ऐसा आया जहां पे ये शायद हमारे लिए थोड़ा दुखदाई हो गया, लेकिन हमने अब उस सारे को कवर अप कर लिया है और हरियाणा में अधिकतम वोट हमें इन दोनों तबकों से मिलने, 36 बिरादरी को मिलेंगे ही, उसी 36 बिरादरी में ये कम्युनिटीज भी हैं। जहां तक केजरीवाल जी के आने की बात है, केजरीवाल जी का जो है अभी हरियाणा में, ये पंजाब में और दिल्ली में तो सत्ता इनके पास है लेकिन अभी हरियाणा में इनको टेस्ट नहीं हुआ है, यानी ये टेस्ट नहीं किए गए हैं, तो अब ये अब मालूम पड़ेगा कि हरियाणा में ये कितना परसेंट वोट ले पाते हैं। हमने पूरी कोशिश करी, इंडियन अलायंस में हमारे ये पार्टनर हैं, हमारे उसके सदस्य हैं इंडियन अलायंस के और एक प्रमुख सदस्य है, ऐसी बात नहीं। और केजरीवाल जी की आज रिहाई पर भी मुझे, मैं बधाई देता हूं विनय यादव भाई को कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है और ये कंटेस्ट जो है हमारा सभी से नहीं है, हमारा मेन कंटेस्ट आज की तारीख में भाजपा से है, हमारा कंटेस्ट इस आज की तारीख में आप पार्टी से नहीं है, भविष्य में क्या होगा वो मालूम पड़ जाएगा। तो क्या इसीलिए आपने इनको पार्टनर नहीं बनाया अपना हरियाणा चुनाव में, इसीलिए बात नहीं बनी? नहीं, 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 ये तो विनय यादव जी ने भी नहीं कहा ना, केजरीवाल जी कहेंगे। हमारे बीच जो बातचीत हुई उसमें 6 या 7 सीटें हम इनको दे रहे थे और एक मार्क्सवादी पार्टी को ऑलरेडी दे दी है, एक समाजवादी को देनी थी और एक किसी और दल को देनी थी,
लेकिन ये उससे ज्यादा चाह रहे थे। अब कांग्रेस 90 में से अगर 11-12 सीटें बाहर दे दे तो हमारे लिए भी थोड़ी सी ये विचारणीय था विषय, और इसलिए फिर ये अपने स्टैंड पे टिके रहे। हम अपने स्टैंड से आगे नहीं बढ़े, हम 5 से 7 पे जैसे आ भी गए थे तो नहीं हुआ गठबंधन। अफसोस जरूर है लेकिन ये होता है, राजनीति में संभव होता है। तो आपको लगता है कि 7-8 सीटें देने लायक भी आम आदमी पार्टी की हालत अभी हरियाणा में नहीं है? नहीं, हालत की बात नहीं है, 10 सीटें शायद है या उससे ऊपर मांग रहे थे। तो ये एक देखिए हर चीज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हमें दूसरों की स्ट्रेंथ को वोट परसेंटेज से भी आंकना होता है कि पिछले चुनावों में कितना रहा। कई चीजें कई तरह के गणित होते हैं, आप भी समझती हैं, अभिनय यादव भाई भी समझेंगे। नहीं हुआ तो भी अफसोस तो है ही ना उसका, लेकिन हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। रिजिडिटी से समझौते टेबल पे तो नहीं होते हैं, तो रिजिड किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आपके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो विचारणी है कि कितना कर पाएंगे। पिछले रिकॉर्ड में तो बहुत ज्यादा नहीं दिखा, अब की बार विश टाइम गुड लक। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। राजवीर रोहिला जी भी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ बने हुए हैं। राजवीर जी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। देखिए मजबूती से चुनाव प्रचार हो रहा है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आपकी आ गई है। अब ऐसे में एक लॉस इसको कहा जाए कर्णदेव कंबोज का छोड़ना, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो पार्टी छोड़ जाते हैं, टिकट नहीं मिलने से नाराज है, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छी विचारधारा वाले लोग बीजेपी में नहीं टिक सकते, अगर वो किनारा होना चाहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो कांग्रेस में आमंत्रित भी लोगों को कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या लॉस होगा बीजेपी को इनसे, इनके जाने से? जी नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी राम राम और प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। कर्णदेव कंबोज जी ने अपना वर्जन दे दिया था मेरे ख्याल में मीडिया बाई बाई थी उनकी, जो उन्होंने बोला है। लेकिन कहना कि अगर कोई कार्यकर्ता अगर निष्ठावान कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान होता है, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये उनको समर्पित है मेरा। और मैं खुले मन से कहता हूं क्योंकि घर में बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता डेवलप किया जाता है, लीडर बनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और के उनको लीडर बनाया था, भारतीय जनता पार्टी में वो सीधे करके कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे थे। तो एक सेकेंडरी से कुछ नहीं होता, कई बार मजबूरियां भी हो सकती है, और ये चीज तो राजनीति सबको करनी है। उन्होंने अपना भविष्य कांग्रेस में तलाश किया, मेरी शुभकामनाएं कर्णदेव कंबोज जी को, और मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं कह पाऊंगा। लेकिन राजवीर जी आप अभी तक तो वो बीजेपी की नीतियों से खुश थे जब तक आपकी पार्टी में थे, अभी चंद घंटे उनको पार्टी ज्वाइन किए कांग्रेस के हो गया, अब वो कसीदे पढ़ते हैं कांग्रेस के, कहते हैं कि हुड्डा जैसे मैंने आज तक नेता देखे ही नहीं, हम उनके काम से बहुत प्रभावित हैं, अन्य लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस को कि एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक हम आपके लिए खड़ा करेंगे। कर्णदेव जी बड़े नेता है, वो हमारे कैबिनेट मंत्री को ऐसे तो बन नहीं जाता, पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था। अब एक टिकट पर 73 है, 17 रिजर्व है, टिकट के लिए 1000 प्रत्याशी होते हैं लाइन में, 200-150 कई मतलब मान लीजिए अप्लाई करते हैं या निवेदन करते हैं, तो ये टिकट तो एक मिलनी होती है। और लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है, वो बात नहीं बढ़ पाई होगी, तो उसमें हम क्या क्या जानते। अब देखो वो अब कांग्रेस में गए तो देखो उनका गुणगान तो करना पड़ेगा, उनको नेचुरल बात है। और राजनीति में जो ज्ञान है वो 10-10 मिनट बाद भी बदल करते रहता हूँ, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये कि सामान्य की प्रक्रिया उन्हें यहाँ अपना भविष्य है सुरक्षित लगा, तो मैं भी अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस में गए हैं, तो कांग्रेस में रहेंगे तो उनको पता लग जाएगा जब आर्थिक चौधरी जी क्यों आई थी, राजेंद्र सिंह जी क्यों आई थी, और भी बहुत से हमारे जो बड़े नेता हैं जो आज हमारे तरणधार बड़े हैं, जो जिनका आज एक जनाधार है भारतीय जनता पार्टी में, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ न कुछ दे ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको हारने के बावजूद, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको देने में कोई सफाई नहीं पड़ती, लेकिन टिकट वाली तो मसला एक ही हो गया, तो उसमें हाईकमांड का निर्णय होता है उसमें। ठीक है, ये टिकट का हाईकमांड का निर्णय है, ये तो सही कहा आपने, लेकिन वो नाराजगी खुले तौर पर जता रहे हैं। लेकिन एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी रोहिला साहब, देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक कहें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई आज हो चुकी है, सत्य की जीत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले और कह रहे हैं कि और मजबूती से इस बार हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन उनका संभव नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर मैदान में उतरने से क्या वोट बैंक किसी तरीके से सेंधमारी कर पाएंगे वो आपके या फिर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? पे आए हैं वो और 47 नंबर में जो फैसला लिखा वो इसमें ये लिखा हुआ है ना तो वो दस्तक कर सकते ना वे मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते,
ना वे गवाहों को प्रभावित कर सकते, तो चोर तो चोरी रहेगा, चोरी का आरोप तो नहीं हटा ना उसके ऊपर। अभी तो मामला लंबा चलेगा, ये अभी तो अंदर से बाहर आया 5 महीने बाद वो, ठीक है ना। तो ये खाली जमानत हुई है, जमानत में कंडीशन जमानत हुई है, तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं है भाई, ये तो खुशी मनाए। क्योंकि सीबीआई ने जो अपना उन्होंने अपना वो डाला उसमें एप्लीकेशन कोर्ट में, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह जो केजरीवाल है शुरू से लेकर आखिर तक तलाक घोटाले में शामिल था, और शामिल तो सबको पता है क्योंकि ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने टेक्निकल भ्रष्टाचार किया था, टेक्निकल भ्रष्टाचार अपना कोई सबूत नहीं छोड़े, लेकिन कोई ना कोई चोर सबूत छोड़ देता है। बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र है, अभी भी मैंने कहा बीजेपी का केजरीवाल जी की वो मतलब कुछ नहीं, ब्राह्मण का रुदाली का काम हमेशा चलता रहता है, वो तो हर चीज के सबूत मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो अब तो इनके पास ये मौका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में या जो जिस कोर्ट में केस है उसने अपना निर्णय दिया, तो मतलब जो बंदा है वो बीजेपी के पिछड़ पे वोट दो आप, तो कोर्ट कानून अपना संविधान अपना काम करता है, इसमें कोई किसी भी पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो इन्होंने किया वो इन्हें भुगतना पड़ेगा इनके नेताओं ने, और जमानत पे इनका अधिकार है कि किसी भी मतलब मान लीजिए एक्यूज जो भी किसी भी केस में, तो जमानत का अधिकार है, वो तो अपना अप्लाई कर ले, अगर कोर्ट चाहेगी तो मिलेगी, नहीं तो चाहेगी नहीं मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं ना, कुछ होने वाली बात है। और रही बात है इनकी जो हमें प्रभावित करने की, भारतीय जनता पार्टी की 90 के 90 सीटें घोषित कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मैदान में है, और हमारे नेता लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, और हमारी आज जो स्टार प्रचारकों की जो 40 की जो हमारी लिस्ट आई है, तो 2-4 दिन बाद उनके कार्यक्रम लगने शुरू हो जाएंगे, और आप देखना 20 तारीख के आसपास एक अलग ही माहौल होगा, एक वातावरण ऐसा तब्दील होगा कि आप ये कहेंगे भाई भाजपा फिर से आ रही है। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। कृष्ण गुटेर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गुटेर साहब, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन पैनलिस्ट की मेरे तक आवाज स्पष्ट नहीं सुन पा रही है। बाकियों की आवाज नहीं आ पा रही है? किन किन की आवाज आपको नहीं मिल पा रही है? मेरी किसी की आवाज जो है ना स्पष्ट मुझे नहीं मिल रही है, आपकी आवाज स्पष्ट मुझे मिल रही है। चलिए ठीक है, हम आपकी आवाज को सही करवाते हैं। फिलहाल अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो फिर आप मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, पहले आपका बसपा के साथ गठबंधन, मजबूती से आपने कहा कि मैदान में आएंगे, अब हलोपा के साथ आपका गठबंधन, क्या लग रहा है ये तीनों पार्टियां मिलकर के हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव लाएंगी? कैसा आपका प्रचार चल रहा है, किस तरीके के हालात चल रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि भी बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का पहले जो समझौता उस हरियाणा प्रदेश में हुआ वो किसान और कमेले वर्ग का जो है समझौता था, और साथ में जो है कि हलोपा का जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो गठबंधन हुआ है, और निश्चित तौर पर जो बीएसपी एनएलडी और एचएलपी का जो गठबंधन है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि सत्ता का जो ये मुंह देखना चाहते हैं तो मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज इस हरियाणा प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक क्योंकि इस हरियाणा को जो है कि लूटने का काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि भगदड़ मची हुई है, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि कर्णदेव कंबोज ने जो कि पार्टी को छोड़ करके और आज वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और ओबीसी का जो है कि कार्य को जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो देख रहे हैं, ऑडियो डिस्टर्ब है, और कांग्रेस के अंदर एक बड़े पैमाने पे जो है कि गुटबाजी है। आपने टिकट वितरण के अंदर देखा होगी जो कुमारी शैलजा जो एक सीएम का जो है ख्वाब पाले हुई थी, और जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि दलित वोट जो है उस पर कांग्रेस की जो नजर थी, और पिछले चुनाव के दौरान जो है कि दलित वोट जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट था वो कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हुआ, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है कि आवाज आ रही बिल्कुल ही तो आगे बढ़ी, लेकिन यहां पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इतनी बड़े पैमाने पे है कि कुमारी शैलजा को जो है कि टिकट वितरण के अंदर जो है कि आगे आने नहीं दिया, उसके किसी भी समर्थक को जो है कि वो टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हुआ है, और सरेआम हुड्डा ने जो है कि अपनी चलाकर के जो है कि कमजोर कैंडिडेट
कई जगह पर कमजोर कैंडिडेटों को हारने का काम किया है ताकि बीजेपी जो है कि वो आप बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि हुड्डा के ऊपर जो है कि जो उसने शासनकाल के दौरान जो है 72,000 हेक्टेयर भूमि जो है कि वो हड़पने का काम किया था, उसकी तलवार उनके गले के ऊपर लटकी हुई है। उससे बचने के लिए जो है भूपेंद्र हुड्डा ने जो है कि सुनियोजित ढंग से जो है कि यानी कमजोर कैंडिडेट उतार करके ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो मिला हुआ है। कुटेल साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी देखिए, यही आरोप आपने लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी लगाया था कि कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं कांग्रेस ने जानबूझ करके और मैच फिक्सिंग की है। अब यही आरोप आप अभी लगाए, उस समय आपने कहा 5 सीटें ले गए वो लोग, और अभी आप फिर से यही बात कर रहे हैं। उस समय जो है कि माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रचार प्रसार किया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो संविधान की बदल रही है, लेकिन जो है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा जो बदलाव संविधान के अंदर किए हैं तो वो कांग्रेस ने किए हैं। और लेकिन झूठ बोल के जो है कि और एक दलित का वोट जो है कि अपने ओर ट्रांसफर कराया और तभी जो है कि 5 सीटें इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कांग्रेस पार्टी की आई है। और दूसरा जो है कि यहां पर एक देखने की बात है कि आज जो दलित वोट है वो कांग्रेस की ओर ना जाकर के वो बहुजन समाज पार्टी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, और जो इंडियन नेशनल लोकदल और जो बीएसपी का गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है। और निश्चित तौर पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि चौधरी हरि सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि वो सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी बाहर आ गए, आप तो प्रचार में भी आएंगे हरियाणा में, कोई उनके तरफ सकारात्मक बदलाव आप देख रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा, आप लोगों का वोट बैंक कहीं से सेंधमारी होगी, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, आज केजरीवाल जी है वो आप पार्टी को संभाल दें, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब वो वोट मांगने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगे, लोग एक प्रश्न करेंगे उनसे कि पहले आप SYL मुद्दे पर अपना जवाब दें, क्योंकि पंजाब के अंदर आप सरकार है और कोर्ट के आदेश है, तो वो पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि केजरीवाल के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर रहेगा। और हरियाणा प्रदेश जो है वो किसानों की भूमि है, और किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो आप पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है इस हरियाणा प्रदेश से? चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी कितना बदलाव आएगा कितना नहीं आएगा, प्रदेश की जनता क्या सोचेगी इसको लेकर के। खैर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, बीजेपी का कहना है कि कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ही इतना खुश होने की जरूरत है आपको, आरोप तो आरोप है वो लगे हैं, वो तो सशर्त आपको जमानत मिली है वो बात अलग है, कोई बदलाव नहीं आएगा प्रदेश की राजनीति में। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका कहना है कि चाहे अरविंद केजरीवाल कोई प्रचार कर ले चाहे कुछ कर ले, प्रदेश की राजनीति में आपके लिए कुछ सकारात्मक बदलाव नहीं होने वाले हैं। नहीं, ठीक है, उनका ही अपना आकलन हो सकता है और वो ये कहने के लिए मजबूर भी हैं। लेकिन एक बात को समझिए आप कि जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, जो उनका वोटर है, वो तो भली भांति समझता था कि ये अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर बाहर आएंगे, वो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल वोटर होता है, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक नैरेटिव सेट किया जाए। आप देखिए, जब हम डिबेट में होते हैं, जब उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है, जब हम अपने स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो उनके पास एक ही बात होती है कहने के लिए कि भाई आपके नेता तो जेल में है। यही नैरेटिव सेट करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए और पब्लिक के अंदर ये मैसेज दिया जाए, देखिए भाई ये तो भ्रष्टाचारी है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि PMLA एक्ट के तहत जो है जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब, क्योंकि ईडी को अधिकार है कि वो गिरफ्तार करके रख सकते हैं जब तक जांच चल रही हो, पर जांच में कोई सबूत नहीं मिला तभी उनको जमानत मिली है, तो ये बरी नहीं हुए हैं, ठीक बात है टेक्निकली, लेकिन जमानत मिलना ये समझ लीजिए कि वो बरी होने जैसा ही है। इसलिए हम बहुत खुश हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर बहुत खुश हैं, देशवासी जो संविधान में भरोसा रखते हैं वो बहुत खुश हैं, और निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा मैसेज हरियाणा के प्रदेश के अंदर जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा से ही आते हैं,
तो इसका निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा फायदा होगा इसका। लेकिन इनेलो वाले तो कह रहे हैं कि आप उसी प्रदेश की जो मेन समस्या है उसको आप दरकिनार करते हैं, उसकी तरफ उसको आप इग्नोर करते हैं। देखिए ये जो एसवाईएल का ये बार बार बात करते हैं, मैं फिर ये बात कहता हूं कि जब कुछ नहीं होता इनके पास तो ये एसवाईएल को लेकर आते हैं। देखिए इंदिरा गांधी जी के समय से ये मुद्दा चला आ रहा है, ये 5 दशकों से ये मुद्दा चला आ रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर राजनीति की जा रही है। हमारी पार्टी 1 दशक पुरानी हमारी पार्टी है और 2022 से हमारी पंजाब में सरकार है। आप बताइए उस समय जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस समय स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति कुछ और है। अब दोनों प्रदेशों के पास ही पानी नहीं है, पंजाब में 13 जिले जो है वो ड्राई जोन है और हरियाणा में भी 8 से ज्यादा जिले जो है वो ड्राई जोन है। जब पंजाब के पास ही पानी नहीं है तो हरियाणा को पानी कहां से दे देगा? मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए प्रधानमंत्री, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हरियाणा के अंदर रैली में कहा था कि मैं किसानों के हिस्से का पानी, पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा के किसानों को पानी दूंगा। तो उन्हें कुछ योजना बनानी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोका? उनको पाकिस्तान से ऐसा क्या प्रेम है कि वो बिरयानी खाने चले जाते हैं और उनका पानी भी नहीं रोकते हैं? तो ये पुराना जी इतना पुराना मुद्दा है और हमारी पार्टी की सरकार तो जुम्मे अभी 2-3 साल से है और हरियाणा में हमारी सरकार बन जाएगी तो देखिएगा हम शायद इसको भी सुलझा लेंगे। हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तब सुलझाएंगे कह रहे हैं कुटेल साहब, कुछ कह रहे हैं आप छोटा सा जवाब दीजिए उसके बाद फिर मैं ललित जी के पास जा रही हूं। क्या काफी समय से देखिए एसवाईएल का, जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तब सुलझाएंगे इस पर, हो सकता है कह रहे हैं। चलिए कुटेल साहब की आवाज कुछ दिक्कत कर रही है, इसमें मैं एक रिएक्शन ले लेती हूं राजवीर जी आपका, फिर उसके बाद ललित जी आपके पास आऊंगी। राजवीर जी, हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तो इस मुद्दे को भी सुलझाएंगे कह रहे हैं। ये पता क्या है कि इतने झूठे लोग हैं, ये सुलझाते इन्होंने योगेंद्र यादव को सुलझाया, इन्होंने प्रशांत भूषण को सुलझाया, इन्होंने अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर शांति भूषण को सुलझाया, तो ये सुलझाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट है ये लोग। आज इनकी पार्टी का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री भी जेल से है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल से है, ठीक है ना। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई ये अपनी पार्टी की कमांड किसी को दे दे और आराम से जेल काट ले या मुख्यमंत्री का मत किसी को दे दे। इन लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं और हरियाणा की जनता इन गिरगिटों को अच्छी तरह से समझती है। तो ये लोग पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, जब भी कोई पानी की बात आती है तो हरियाणा को कोसने लग जाते हैं, जब कोई सूखे की बात आती है तो हरियाणा को कोसने लग जाते हैं, जब कोई पराली की बात आती है तो ये हरियाणा को कोसने लग जाते हैं। इन लोगों का सारा टाइम रोदाली में निकलता है, इनका कुछ नहीं है। मैं लूंगी विनय जी आपसे जवाब, लेकिन उससे पहले एक बार ललित जी से एक सवाल ले लूं मैं, उसके बाद विनय जी आप ही के पास आऊंगी। ललित जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक सही से? जी जी आ रही। ललित जी देखिए एक आरोप हमेशा लगता है हरियाणा में खासकर कांग्रेस पर, जैसा कि अभी कृष्ण कुटेल साहब भी कह रहे थे, यही आरोप इन्होंने लोकसभा के समय पर भी लगाया कि हुड्डा साहब ने टिकट में जो है जानबूझ करके कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं, उन्हीं को टिकट दिया है, सारी मैच फिक्सिंग हो रखी है बीजेपी के साथ, और अभी दोबारा से वो वही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो टिकट दिए गए ये हुड्डा समर्थकों को ज्यादा दिए गए, शैलजा समर्थक जितने थे उनको दरकिनार किया गया, उनकी अनदेखी यहां पर की गई। देखिए ये ना कृष्ण कुटेल जी का एक शगल है, हर डिबेट में ये जरूर कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 46.9% वोट प्राप्त किए, 5 सीटें प्राप्त करी। अगर हम कमजोर थे या मिले हुए थे या हमारे कैंडिडेट कमजोर थे तो इस बार तो फिर हमारी बंपर जीत होनी चाहिए। नंबर दो, जिस पार्टी से ये आते हैं 2019 में इन्होंने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती और 2.5% वोट मिले इनको, यानी 3,06,000 के करीब। 2024 में लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल वोट इनको मिले 2,26,052, सब जगह जमानत जब्त हो गई। अब ये कमजोर कैंडिडेट इनके थे या हमारे थे, पहले तो इनको ये समझा दो। दूसरी बात, इनकी पार्टी का पिछले 10 सालों का ग्राफ ये है, 2013-16 जनवरी को इनके प्रमुख को सजा हुई थी, उसमें 3206 जूनियर टीचर का था, 2022 में फिर इनको राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया, 4 साल और हो गई थी। तो 1978 की घटना भी इनको याद होनी चाहिए, उस नेतृत्व के अंदर ये काम कर रहे हैं। अगर आप इन बातों का जवाब दे दें कि आपका वोट परसेंटेज है तो आप मिले हुए थे कि नहीं थे, कम आया, इसका मतलब आपने भाजपा को वोट दिलवाया, नहीं दिलवाया तो फिर कांग्रेस ने तो लिया नहीं आपका वोट बैंक, तो आपका वोट बैंक गया कहां? उसके अलावा 5 सीटें जीतना कोई खाना दिया घर नहीं है, जो सेंटर में केंद्र में भी इनकी सरकार थी। सच तो ये है कि आज हरियाणा में एक अंडरक्रंट है बहुत जबरदस्त,
कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इनके 10 साल के घोटालों का एमएसपी इन्होंने नहीं दिया है। अभी जो है नायब सैनी ये कह रहे हैं कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा एम्प्लाइज की, जो एम्प्लाइज के बारे में ऐसे भद्र शब्द बोलते हैं तो उनको क्या, इनको तो एम्प्लाइज ने भी वोट नहीं देनी है। लाठी और धमकी से आप लोगों को डराना चाहते हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने नहीं करी, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान नहीं दिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या हुआ उसका, हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बना है, 5000 स्कूलों को बंद किया गया है, ये भाजपा के बारे में सबको जानते हैं। 50,000 पद तो शिक्षा विभाग में खाली है, गरीबों को पक्के मकान देने का वादा था, 100 गज के प्लाटों की स्कीम आपने बंद की है, तो पिछले 6 महीनों में विधानसभा का सत्र आप नहीं बुला सके 174वीं में, और उसके बाद विधानसभा बंद करनी पड़ी है, किस चीज का डर था हमें? कांग्रेस को सब जानते हैं हम इनके बारे में, ये जो है हमारी पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से आने वाली है, ये मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, विनय जी को जवाब देना चाह रहे थे। विनय जी देखिए, मैं कह रहा था कि मेरे मित्र राजवीर जी इनको योगेंद्र यादव जी और वो इतने अच्छे लगते हैं, तो भाई आपने देखिए तारे जो भ्रष्टाचारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगेंद्र यादव जी भ्रष्टाचारी है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अशोक चौहान, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा सबको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अगर आपको इतनी चिंता योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी की, उनको भी अपनी पार्टी में ले लीजिए। और योगेंद्र यादव जी तो खुद कहते हैं कि भाई चाहे मेरे कितने ही मतभेद हो अरविंद केजरीवाल जी के साथ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है गलत है, उनको कोई भी इंटरव्यू आप देख लीजिए, खुद योगेंद्र यादव जी ये बात कहते हैं। और बात रही SYL की, तो भाई आपकी सरकार 2014 में केंद्र में आपकी सरकार आ गई, 2014 में आपके हरियाणा में सरकार आ गई, और 2017 तक आपके समर्थन से अकाली दल की सरकार थी, आपके पास 3 साल थे भाई, आपने SYL का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा लिया? केंद्र और दोनों प्रदेशों में आपकी सरकार की, बताइए आपने SYL को सुलझाने के लिए आपने क्या किया और क्यों नहीं सुलझाया जो मुद्दा जो आप चाहते हैं कि अभी 2022 में हमारी सरकार आई है और हम पंजाब में हमारी सरकार है, हम SYL का जो है मुद्दा सुलझा ले भाई, तो ये बता दें हमें। और दूसरा, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं इनके मुख्यमंत्री, जो पहले इनके मुख्यमंत्री थे वो गर्दन काटने की बात करते हैं अपने कार्यकर्ता नेता की, अब वो इनके अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसी भाषा का प्रयोग यहाँ राजीव जी कर रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई आपको आरोप लगाना तो आरोप भी आप कोई ढंग का लगाइए ना, और भाषा की मर्यादा तो रखिए कम से कम। चलिए ठीक है, राजवीर जी ये कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा नहीं रखते आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता भी और आप भी। नहीं नहीं, जो कुछ ये मर्यादा का ठेका सारा आम आदमी पार्टी वालों ने ले रखा है, नवीन जी जो इनकी क्या हालत बनाई है पूरा हरियाणा जानता है, और जो स्वाति मानने वाले की सांसद थी उसके तरफ कैसे दुर्व व्यवहार किया इन लोगों ने, ये मर्यादा सिखाएंगे क्या हम लोगों? विभव कुमार ने क्या क्या व्यवहार किया, स्वाति माल्यवाल ने खुद लिखा था ट्विटर पर कि भाई मतलब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मुझे मारा पीटा गया, और केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल जो सुपर CM है आजकल वो भी वहां थी, तो आप लोग मर्यादा की बात ना ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अलका लांबा ने क्या क्या छोड़ा था आप लोगों को, ऐसे बहुत से उदाहरण है जो चिन्हित करते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ है कि कोई पार्टी नहीं चला रहे आप लोग वसूली गैंग चला रहे हैं, ठीक है ना भाई, आपने दिल्ली से कमा के दिल्ली से भ्रष्टाचार करके पंजाब में लगा के चुनाव जीतने, पंजाब से आप गुजरात गए, गुजरात के साथ साथ आपने उत्तर प्रदेश लड़ा, उत्तराखंड लड़ा, गोवा लड़ा, और हर जगह आप लोगों ने नोटा से भी कम वोट आए, आपके जो गुजरात में विधायक थे 2-4 वोट आ गए यहाँ, तो सब छोड़ के भागे आप लोगों को, क्योंकि जो आपकी कार्य प्रणाली है वो जनहित की नहीं है, आपकी कार्य प्रणाली जेब हित की है और आप जेब हित का पूरा ख्याल रखते हैं भाई। यही आरोप कांग्रेस का भी है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से लेकर के कार्यकर्ता तक भाषा की मर्यादा नहीं रखते हैं, कांग्रेस का भी यही आरोप है। कांग्रेस का क्या बोले, कांग्रेस वाले बोलने ना भाई, जयप्रकाश जी ने तो प्रयाद में तो ध्यान दिया दलाली नीतीश सिंह लगा के टिकट मिलती है तो वोट लगा लो, तो ये इनकी मतलब जो चार चरित्र चेहरे तो इनकी कृपा है, इन लोगों के बीच में क्या इनकी जो महिला नेत्री थी प्रियंका चतुर्वेदी कैसे छोड़ के गई, नगमा के साथ क्या हुआ था, कैसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे पब्लिक डोमेन में, इनकी जो एक नॉर्थ ईस्ट की जो महिला नेत्री थी उसके साथ क्या किया था, FIR दर्ज हुई थी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में पड़ी है भाई, ये लोग लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते भी और फिर भी आरोप दूसरे पर लगाते हैं। चलिए ठीक है, ललित जी इनकी बात का जवाब भी दीजिएगा, और एक सवाल मेरा भी है, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम SYL का मुद्दा भी सुलझाएंगे,
तो क्या लगता है हरियाणा में सच में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और बनेगी तो क्या ये मुद्दा सुलझ पाएगा? इस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगी। तो ये भाषा की मर्यादा की जो बात है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक महिला ने इनसे कोई सवाल पूछा तो बोले तेरे को चांद पे भेज देंगे। इस तरह के तो इनके व्यवहार है, इस बात को मान लेना चाहिए कि भाषा की मर्यादा मेंटेन होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम भी इनके बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहते हैं और ना ही कहना चाहिए। टीवी पे डिबेट करें, जनता देख रही होती है, प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी नहीं कहना चाहिए। इस पे तो सारे एंकर एग्री, आप भी एग्री करोगे, सारे प्रवक्ता भी एग्री करेंगे। नंबर दो, एसवाईआर एक बहुत पेचीदा मुद्दा जरूर है, लेकिन जैसा सब भाइयों ने कहा यहाँ पे कि जब सरकारें अपनी होती हैं तो वहां बैठ के सुलझा लिया जाए, फिर ये मुख्यमंत्री ये पोजीशन ले लेते हैं कि नहीं हमारा पानी कहाँ गया। इसका एक सुलझा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को जो पानी दे रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो 100 साल पुरानी है, हम वो पानी मोड़ के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, दादू पर नलवी की बात कोई नहीं करता, उसको भी सुलझाया जा सकता था, वो मामला भी खटाई में पड़ा है। हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में या बाकी जगह पानी की कमी है, 250-300 फुट पानी नीचे चला गया है, तो इस पे सोचने की जरूरत है। और फसलों का भी जो हम लगाते हैं चक्कर को बदलने की जरूरत है, ये मुद्दे अलग से हो जाते हैं कि अगर फसल का चक्कर धान की वजह से पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस पे सब किसानों संगठनों को लेके उनको सेटिस्फाई करके एक हल निकाला जा सकता है। लेकिन जो ये वाला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कमीशन बनाया जाए और वो तीनों पार्टी साइन करे ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में कि हमें वो मंजूर होगा, मेरे ख्याल में तो मसला हल हो सकता है। सरकारें आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाइपोथेटिकल सरकार आएगी नहीं आएगी, इसका केंद्र सरकार अगर फैसला करना चाहे तो हो सकता है एक आयोग जजेस का बना के जो कि बाउंड्रीज पर सब चीजों को देखें, तब हल हो सकता है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इसमें कई तरह के पेचीदा मामले हैं, ये कोई एक डिबेट में तो पता ही नहीं चलेगा असली मतलब क्या है। यानी कि आप इसकी सुई केंद्र सरकार की तरफ करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो मसला हल हो सकता है। खैर ठीक है, मैं कृष्ण पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। कृष्ण पटेल जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी। तीनों को सुना आपने, आपके सवाल पर क्या जवाब दिया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों के सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे कि आप अपनी पार्टी की स्थिति तो देखिए, 2019 में जो स्थिति पार्टी की रही वो सभी ने देखा, अब ऐसे में इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं, ये भी इनको जवाब दीजिए। पहले तो ललित अरोड़ा जी को ये याद आनी चाहिए कि जब 10 वर्षों तक इस हरियाणा प्रदेश की कमान आप लोगों के हाथ में थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आपने अपरंपार जो है कि विकास की बात की, क्योंकि आप डिबेट में बैठ करके ये तमाम बातें बोलते हैं कि भी विकास पुरुष जो है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और किस प्रकार से उसने किसानों की जो है कि जमीन है तोड़ियों के भाव खरीद करके जो है कि ऊंचे दामों पर बेचने का काम किया। जब 2014 का चुनाव हुआ और 2014 के चुनाव के अंदर आपकी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल की थी, विपक्ष के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल थी और उन्होंने प्रमुखता से जो है कि मुद्दे उठाने का काम किया, तो आप लोगों ने जो है कि विधायक बढ़ाने की बात क्यों नहीं की? आपको वो समय भी याद होना चाहिए जब 87 के अंदर जो है कि आपके 5 विधायक बने थे। तो ये राजनीति का जो घटनाक्रम है ये घटता और बढ़ता है, और बीजेपी को भी वो समय याद करना चाहिए कि 2009 के चुनाव जब इन्होंने लड़ा और उसके अंदर कहीं पर इनको 800 वोट, कहीं पर 900 वोट, कहीं पर 1200 वोट ऐसे वोट पड़ रही थी, लेकिन आज जनता समझ चुकी है आपने जो काले कारनामे किए हुए हैं वो भी जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काले कारनामे किए हैं तो वो भी जानती है। हमने जो है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया और हम आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी हम रोजगार देंगे, बड़ा पैमाने पे रोजगार देंगे, चाहे फांसी क्यों ना लगनी पड़े। और यहां पर जो है कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी की देन है और आपके मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से, तो उस समय कहते थे कि ये अर्पण व्यक्ति कैसे जो है कि पेंशन लगा सकता है, मैं जो है कि वकील हूं और कानून का मुझे पता है। लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी ने कुर्सी को संभाला और पहले बैठते ही बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी ने किया, कि याद होना चाहिए। यानी इंडियन नेशनल लोकदल जो बोलती है उसको पूरा करती है और जनहित के पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां तैयार करती है और उनको लागू करने का काम करती है। लेकिन आपने सदा जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही है चाहे भारतीय जनता पार्टी रही है,
तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान ही इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 42,000 जो है कि बैकलॉग अनुसूचित जाति लोगों का है और 64,000 बैकलॉग जो है नौकरियों के अंदर वो बैकवर्ड कम्युनिटी का है। तो आपने पूरा क्यों नहीं किया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया? और आप तो जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का मुख्यमंत्री है, तो वो भी नहीं पूरा कर पाए उस बात को। तो यहां बैठ करके बातें बनाना जो है कि चिकनी चोपड़ी बातें करके जो है कि जनता को गुमराह करना, जनता आपको जानती है कि आप कितने हितैषी हैं। और आपकी जो है कि एक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि भी पहली से आठवीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए तो उसको पास कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, आपके शासनकाल के दौरान अगर बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जाएगा तो वो आगे कैसे उसका ग्रोथ हो पाएगा? शिक्षा का नाश किया तो कांग्रेस के समय के अंदर हुआ और स्कूल बंद करने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। आपने शिक्षा के ऊपर जो है कि कुठाराघात करने का काम किया, दोनों ने किया है। लेकिन हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। चौधरी देवीलाल जी ने वजीफा शुरू किया, अगर बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा हाजिरी के हिसाब से प्रतिदिन एक रुपए के हिसाब से जो है कि देने का काम किया। तो आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो जो है वजीफे को जो है कि वो बंद कर दिया। आपके बातों को, आपके मुद्दों को समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से राजवीर जी आपके पास आते हुए, 20 से 22 दिन का मात्र समय बचा है, ऐसे में पार्टी का क्या एक्शन प्लान है? इन दिनों किस तरीके से प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से लोगों के बीच जाकर के आप वोटों की अपील करने वाले हैं? परसों नॉमिनेशन खत्म हुए 12 तारीख को, तो तकरीबन नॉमिनेशन हमारे हो चुके सभी, और उसके बाद नाम वापस लेने की प्रक्रिया 16 की है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 90 के 90 जो हमारे कैंडिडेट थे वो सारे के सारे मैदान में है। वो उनके साथ साथ हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता सभी अपने कामों में लगे हुए, हमारे प्रॉपर ऑफिस खुल चुके हैं। हमने मतलब जो चारों की जो सूची आई है, क्या इनके प्रचार से कुछ खास असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल प्रचार एक माहौल तो बनता है ना। प्रचार मोदी जी का नहीं, चलते कुरुक्षेत्र में आ रहे 2 बजे, तो माहौल तो बनता है उस चीज का। क्योंकि जो जो नेता हमारे आएंगे वो नेता जनता में जाएंगे, नुक्कड़ सभाए करेंगे, बड़ी जनसभाएं होंगी हमारी, उसमें हमारा जो पार्टी का संदेश है, जो पार्टी हमारी जो 10 साल हमने किया है, जो आगे हम 5 साल में करने वाले हैं, वो सारे वार्ड में हमारे बड़े नेता ही रखने वाले हैं। तो उसी आधार पर ही हमारा जो पूरा चुनाव कैंपेन ही चलने वाला है। आज भी हमने अपना मीडिया सेंटर की स्थापना की है रोहतक में, हमने जहां से हमारा पूरा का पूरा हरियाणा का जो हमारा जो मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का, वहां से ऑपरेट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और हमारा हर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। क्योंकि हमने ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता हमें रिवार्ड दे रही है। जनता को पता है कि कौन लूटने वाला है, किन्होंने आपकी सेवा की है, तो फर्क इतना था, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल हुड्डा साहब कर रहा है, कैसे वह जातिवाद का घर घोड़ा देते थे, कैसे वह भ्रष्टाचार था, कैसे वह सीएनयू जन तरीके की, कैसे दलितों का उत्पीड़न हुआ, कैसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश हुई, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है और हम जाके जनता को समझा रहे हैं। बच्चों इन्होंने प्रोपेगेंडा लोकसभा में फैलाया था, वो सारा का सारा झूठ था। कैसे इनके जो नेता राहुल गांधी वो विदेश में जाकर आरक्षण के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें जनता समझ रही है इन बातों को, और आने वाले समय में ये हमारा जो प्रचार प्रसार है और भी व्यापक रूप लेने वाला है। चलिए ठीक है, ललित जी वही सवाल आपसे भी कि 20-22 दिन रह गए हैं, ऐसे में क्या एक्शन प्लान आपका है, किस तरीके से प्रचार होने वाला है? स्टार प्रचारकों की सूची आपने भी जारी किए हैं, जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, चाहे विनेश फोगाट हो चाहे बजरंग पुनिया हो, सभी को आपने स्टार प्रचारक बनाया है। 40 लोगों की लिस्ट है, तो कितना इससे बदलाव आएगा, कैसे आप अपील कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के, क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए, हम पिछले 1.5 साल से इलेक्शन मोड में ही है। जनता हरियाणा मांगे हिसाब, राहुल जी की यात्रा, और कोई ना कोई हमारा कार्यक्रम चलता रहा है, घर घर अभियान भी चलता रहा है। और एक बात मैं बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब की वजह से ही आज हरियाणा में करोड़ों रुपए के मुआवजे किसानों को मिलते हैं। धीरे धीरे जब ये समझ में आ गई तो इस पे सुप्रीम कोर्ट से भी मिले हैं। ये कहें कि 2 रुपए मिले, 5 रुपए मिले, इनको कहने दीजिए, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए के क्लेम्स मिले हैं। अब आ गई तैयारियों की बात, तो तैयारियों के विषय में ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो वार रूम 2 जगह है, और हर जगह हमारी लोकल लेवल पे भी टीम है। हम जो है मोहल्ला मोहल्ला जाके और नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के घरों में भी जा रहे हैं जहां जहां संभव है। और क्योंकि हम पूरे साल से ही ऐसा कर रहे हैं,
तो हरियाणा के अंदर हम लगभग हर घर कवर कर चुके हैं और अब की बार दोबारा भी हम जितना संभव हो पाएगा इन दिनों में, और एक लहर चल रही है और कांग्रेस जो है जीतने जा रही है। फुटेल साहब, अपने एक्शन प्लान के साथ इस बात पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे कि आप चाहे कितने आरोप लगाए, 2 रुपए का चेक दिया, 5 रुपए का चेक दिया, लेकिन करोड़ों करोड़ों के मुआवजे हुड्डा सरकार में ही मिले हैं। ये हुड्डा सरकार के समय के दौरान जो है कि उसने उत्तक और जज्जर के लोगों को जो है कि मुआवजा शायद दिया हो, लेकिन दूसरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उसने कोई मुआवजा देने की बात नहीं किया। ललित अरोड़ा जी करनाल से, मैं भी करनाल से हूं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर करनाल के कितने लोगों को जो है कि वो नौकरी मिली है, और रोहतक के लोगों को कितनी नौकरी मिली, झज्जर के लोगों को कितनी नौकरी मिली, और कितना रोहतक के अंदर विकास हुआ, कितना करनाल के अंदर विकास हुआ है, तो आप आंकलन कर सकते हैं। तो लेकिन हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हुड्डा का वो समय याद करते हैं कि जब राजकुमार सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड कम्युनिटी का और जाट जो आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन हुआ, और उस प्रदर्शन के अंदर जो है कि हुड्डा की जो वीडियो वायरल हुई है, किस प्रकार से जो है कि उसने उकसाने का काम किया है, तो याद करता है किस कत्लेआम कराया उसने, कितने लोगों के ऊपर जो है कि वो मुकदमे दर्ज हुए हैं। हुड्डा साहब को पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। चलिए ठीक है, ललित जी एक छोटा सा आप इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद से विनय जी आपके पास आ रही हूं। पास कोई आधार नहीं होता ना, तो वो आधार इन आरोप दूसरों पे लगा देते हैं। मैं तो इनके आरोपों के जवाब देना भी ना अपने शान के खिलाफ समझता हूँ। झूठे आरोप लोगों ने से क्या होगा, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा चीज होता है चुनाव जीतना, और जब वो जो पार्टी जीतती है तो पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी हमें वोट देंगी और दे रही है, तो इनको कहीं ना कहीं ये कुंठा है, क्योंकि इनका वोट परसेंट तो सारी जमानतें जब हुई पड़ी है, तो ये कुछ भी अदारगल बोलते रहेंगे, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। चलिए ठीक है, विनय जी आने वाले 20-22 दिन का आम आदमी पार्टी का क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? मैं आऊंगी कुटेल जी आपके पास फिर दोबारा। विनय जी, जो ये चंद दिन बचे हैं 20-22 दिन, उसमें आम आदमी पार्टी का एक्शन प्लान क्या है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं वो आम लोग हैं, और जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं, और वो अभी 20 दिन क्या, वो पिछले 2 महीने से जो है वो डोर टू डोर और घर घर वो अपना माथा टेक रहे हैं, और लोगों को दिल्ली में पंजाब में जिस तरह से काम हो रहे हैं, और जो हरियाणा में जिस तरह की हम 5 गारंटी देना चाहते हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और अगले 20 दिनों में अब पंजाब से और दिल्ली से भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, वो भी जिस तरह के काम पंजाब और दिल्ली में हो रहे हैं वो हरियाणा की जनता को बताएंगे और प्रचार करेंगे। और अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी, आपने चर्चा के शुरू में ही कहा कि अब वो भी अब बाहर आ गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द आपको हरियाणा की जनता के बीच में दिखाई देंगे, और जिसे मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा में हमें बहुत बल मिलेगा, तो हमारी तैयारी निरंतर ऐसी चलती रहेगी और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, फुटेल साहब आप अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। आज पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, और कांग्रेस के इस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किया है वो जनता सब समझ चुकी है कि यह दलित विरोधी है, क्योंकि उसने अशोक तंवर जी को पीटने का काम किया, उसको भगाने का काम किया, और अभी उसी नीति के तहत जो है कि कुमारी शैलजा के ऊपर भी प्रेशर डाल करके उसको तंग किया जा रहा है, तो ये दलित समाज जो है कि सहन नहीं करेगा, और दलित वोट आपकी तरफ ना हो करके वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की ओर ट्रांसफर होगा। चलिए ठीक है, अब वोट वो ट्रांसफर होगा बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की तरफ, आपने कहा वो होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। एक फाइनल कमेंट राजवीर जी आपसे लेना चाहूंगी पूरी डिबेट पर। मैं पूरी डिबेट में ये बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के इस मुकाबले में नारे के भी उनका नेता होगा, उनका नेता तिहाड़ी है, ठीक है ना, और जनता को समझ जनता समझती है, और तिहाड़ी क्या इमेज होती है, वो कोई आजादी की लड़ाई में अंदर नहीं गए थे, वो गए थे करप्शन के चार्जेस में, तो आने वाले समय में जनता इनका सबक सिखाने काम करेगी, और हरियाणा में 9% भी कम इनके वोट रहने वाले हैं हर विधानसभा में। चलिए ठीक है, विनय जी इस बात का उत्तर देते हुए फाइनल कमेंट अपना भी दीजिए। आम गिनाने को नहीं मिले, आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है, और तड़ी हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है भैया तड़ी पार रह चुके हैं।
चलिए, अब घबराहट हो रही है नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ललित जी, एक फाइनल कमेंट आप भी दे दीजिए। देखिए, आजादी की लड़ाई में तो भाजपा भी नहीं गई, 1980 में तो इनकी पार्टी बनी है, खामखा इतने बड़े दावे क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, हम अपनी कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे संकल्प हैं 6000 रुपये महीना पेंशन देंगे, 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरेंगे, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा वालों को पक्का किया जाएगा, जन विरोधी पोर्टल से मुक्ति हो जाएगी, पोर्टल नहीं खेलेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीब परिवार को 100 गज के प्लाट देंगे, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान हम बना के देंगे, क्रीमी लेयर को 6 से 10 लाख करेंगे, हर गरीब को पीला राशन कार्ड मिलेगा, पुरानी पेंशन योजना ये कहते रहे, हम प्रावधान ऐसे कर लेंगे और अपना बजटीय फिस्कल पॉलिसीज को ऐसा करेंगे कि हम ओपीएस की खर्च अपने जो है निकाल सके, उसका भुगतान कर सके, 500 में रसोई सिलेंडर देंगे, किसानों को सर्वाधिक एमएसपी की गारंटी देंगे। चलिए ठीक है, आप जो भी देंगे वो लोगों को समझ आया नहीं आया तो लोग ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव के अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, 20 से 22 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले स्टार प्रचारकों की सूची जो है बीजेपी और कांग्रेस ने जारी कर दी है और टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेता लगातार दल बदल भी कर रहे हैं। तो आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।